अगली खबर में बात करते हैं ग्वालियर की, जहां चंबल के भीड़ों में वांटेड रहा डकैत गुड्डा गुर्जर ने जेल जाने के बाद ईश्वर के शरण में है। पुलिस गिरफ्त में आने के बाद केंद्रीय जेल ग्वालियर में बंद गुड्डा का अधिकांश समय यहां बने मंदिर में बीतता है। यही नहीं, जेल में अन्य मामलों में बंद जो भी कैदी गुड्डा के पास जाते थे उन्हें भी वो आगे अपराध न करने की सलाह दे रहा है। डकैत गुड्डा के व्यवहार में आए इस बदलाव को जेल के अफसर अपराध के प्रायश्चित के रूप में देख रहे हैं, वहीं कुछ इसे दिखावा मान रहे हैं। गुड्डा को लेकर यह खुलासा केंद्रीय जेल ग्वालियर की बिहेवियर ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट में हुआ है, जिसमें गुड्डा के जेल में बिताए 15 दिनों का विश्लेषण किया गया है। यह रिपोर्ट जेल अफसरों ने डकैत गुड्डा की बैरक के आसपास ड्यूटी करने वाले जेल प्रहरियों और स्टाफ से चर्चा कर तैयार की है। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद गुड्डा गुर्जर को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। उसे ग्वालियर सेंट्रल जेल की त्रिवेणी बैरक में रखा गया था। यह वो बैरक है जहां खतरनाक बदमाशों को रखा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी डकैत पर पुलिस नजर बनाए हुए है। यहां बीते 15 दिन में उसे किसी को नहीं मिलने दिया गया। यहां उसकी निगरानी में जेल प्रहरी के साथ ही प्रशासन में शामिल बंदियों को लगाया गया है। जेल प्रबंधन का कहना है कि अक्सर वह मंदिर के पास बैठा नजर आता है, मानो जैसे उसका व्यवहार बदल रहा है। उसके अंदर जीने की इच्छा जागृत हो रही है, वह खुद को बदलना चाहता है, पर उसका बदले व्यवहार को देखकर अफसर भी दंग हो रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उसमें यह बदलाव असली है या अच्छे आचरण की नौटंकी। ग्वालियर सेंट्रल जेल के उप जेलर प्रभास सिंह का कहना है कि जेल में डकैत गुड्डा का व्यवहार सम्मान बंदियों की तरह ही है। उसे वही खाना दिया जा रहा है जो अन्य बंदियों को दिया जाता है। उसने भी अभी तक कोई विशेष डिमांड नहीं की है। वह इलाज के लिए अस्पताल तक जाता है, लेकिन हमेशा विशेष निगरानी में रहता है। हाँ, वह सुबह शाम पूजा अर्चना करता हुआ जरूर दिखता है। कुछ ही दिन पहले पहुंचा है और सुरक्षा दृष्टिकोण से हमने उसे अन्य सामान्य बंदियों के वार्ड से अलग रखा है। एक छोटा सा मंदिर भी है, उस मंदिर पर भी बैठ के पूजा करते हुए देखा गया है। तो लगता क्या कहते हैं कि व्यक्ति में कोई जीवन परिवर्तन की संभावना जागृत हो रही होगी। कोई नहीं, यहाँ पर एकदम सामान्य व्यक्ति की तरह रह रहा है, ना कोई उसकी कोई विशेष मांग है। उसका जेल में आने के बाद ऐसा कोई भी आचरण नहीं दिखाई देता, जिसको क्या कहते हैं कि उसे लगता क्या कहते हैं कि भीतर भी कोई नियम तोड़ने की आकांक्षा, इस तरह की कोई चीज़ उसमें बची।